कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आपने दो प्रकार से पढ़ रखा था। पहला, जब आपने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा भौतिक अवस्था के आधार पर, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़े, शर्कराएं और अशर्कराएं। दूसरा, आपने क्लासिफिकेशन किया कार्बोहाइड्रेट का, तब आपने पढ़ा अपचायक क्षमता के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। और बेटा आज के दिन पढ़ेंगे मोनोसैकेराइडों के निर्माण के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। अब कहता है सर जी ये वर्गीकरण क्या करता है, आसान सी लैंग्वेज पे सुनना, एक भी परसेंट कठिन लगने वाला ही नहीं है। जब हमारे पास बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, हमने उन कार्बोहाइड्रेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया। अगर किसी बच्चे को इस बात से भी समस्या होगी सर जी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन का अर्थ क्या होता है, तो बेटा बड़ी आसान सी बात है, आपने जल लिया और उस जल में केवल कुछ बूंदें अम्ल की डाली, ये हो गया अम्लीय माध्यम में जल। जल को लिया, कुछ बूंदें अम्ल डाली, ये अम्लीय माध्यम में जल हो गया। और इस पे आपने डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाना स्टार्ट किया। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाया, कार्बोहाइड्रेट का अम्लीय माध्यम में अपघटन होना स्टार्ट हुआ, अर्थात उसने रिएक्शन करनी स्टार्ट की। और रिएक्शन करने के बेसिस पर मुझे तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट नजर आए। पहले वे कार्बोहाइड्रेट जिनको मैंने अम्लीय माध्यम में जब जल के साथ मिलाया, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं किया, अर्थात किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न नहीं किया। जानते हो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को आप मोनोसैकेराइड कहते हैं। डेफिनेशन बतानी बिल्कुल आसान सी है कि वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, या जल अम्लीय माध्यम में उनका जल अपघटन नहीं हो सकता है, नहीं कराया जा सकता है। दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट वे थे जब हमने अम्लीय माध्यम में उन्हें जल में डाला, जल अपघटन कराया, जल अपघटन कराने पर वे कार्बोहाइड्रेट कई भागों में टूटे, और कई भागों में टूटने पर मैंने इस बात का अनुभव किया कि कोई कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा था जो जल में घुलकर दो भागों में टूटता था, जल में घुलकर तीन भागों में टूट सकता था, जल में घुलकर चार भागों में, जल में घुलकर पांच भागों में टूट सकता था। और तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट वे मिले जिनको मैंने जैसे ही जल द्वारा अपघटन कराया, तो इस बात को पाया कि जल द्वारा अपघटित होकर वो हजारों की संख्या में छोटे छोटे भागों में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को मैंने नाम दिया पॉलीसैकेराइड। लगता है बीच वाले का नाम नहीं बताया था, जो जल में घुलकर दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में टूट जाते थे, इनको नाम रखा गया ओलिगोसैकेराइड। तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जब जल अपघटन कराया गया, जल अपघटन हुआ तीन प्रकार का, और इसलिए कार्बोहाइड्रेट को भी मैंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, तीन भागों में। तो मैं क्या सोचता हूँ, एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेटों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जब भी आता है, सबसे ज्यादा ये वाला वर्गीकरण पूछा जाता है। रीजन है वो दोनों वर्गीकरण आसान है और वे वर्गीकरण सॉल्ट में भी आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन पर बनकर आएंगे, और जब ये आएगा तो ये अच्छे खासे नंबर देकर के भी जाएगा। रीजन है ये वर्गीकरण थोड़ा सा बड़ा है। तो मुझसे पूछता है कि अगर आप मोनोसैकेराइडों के निर्माण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हो तो आपको कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कहता है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं। बेटा पहले प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को मैं बताना भी स्टार्ट कर दूंगा, और मैं तो क्या सोचता हूं इसकी परिभाषा को भी पढ़ते चलते हैं, सीधे इसको सॉल्व भी करते चलते हैं। सबसे पहले आए मोनोसैकेराइड। कहता है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट
जो अम्लीय माध्यम में जल द्वारा अपघटित नहीं होते, आप उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड। तो ये वाली बात तो लिखने की कोई जरूरत रह नहीं जाती है कि मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। आप समझ गए कि मैंने इनको अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया था, लेकिन इनका जल अपघटन हुआ ही नहीं। पूछेगा क्या ऐसे एक आधे कार्बोहाइड्रेट के आप नाम बोल सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तैयार रखना चाहिए आपको। पहला एग्जाम्पल है बेटा ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज को जल अपघटन करा दोगे, जल में घोलोगे, अम्लीय माध्यम में जल में घोलोगे, इस पर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अर्थात ये ग्लूकोज के रूप में घुला था और घुलने के बाद भी ग्लूकोज ही बना रहेगा। यह रिएक्शन करके किसी दूसरे पदार्थ में चेंज नहीं होगा। एक और पदार्थ है फ्रक्टोज। यह भी जल अपघटन होता भी नहीं इसका। एक तीसरा और याद रख लेना बेटा, गैलेक्टोज। तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं, लगभग क्या टोटली सेम होते हैं, C6H12O6। आप एक को याद कर लोगे, तीनों के फॉर्मूले आपके पास है। हाँ, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो मोनोसैकेराइड हैं। मैं नाम के लास्ट में थोड़ा सा इसको ठीक किए देता हूं, आदि शब्द लगा देते हैं, जिससे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास अभी भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। कहता है पहले नंबर पे तो हो गया, उन कार्बोहाइड्रेट को आपने बताया जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता था। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, बी पार्ट पर। इनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब इनका तो जल अपघटन होता था, लिखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन और थोड़ा सा और अच्छा लगता अगर मैं यहां लिख देता अम्लीय माध्यम में, तो मैं बाद में लिखे दे रहा हूं अम्लीय माध्यम। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन जो है वो अम्लीय माध्यम में होता है। एक तो इसमें से ये बात आ गई पॉजिटिव बात कि जल अपघटन तो होगा, होता है, और इनके जल अपघटन से दो से लेकर दस मोनो सैकेराइड प्राप्त होते हैं, अब इसका क्या अर्थ है? दो से लेकर दस मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, अर्थात कोई कोई ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपने उसका जल अपघटन कराया और जल अपघटन कराने के बाद वो दो मोनोसैकेराइड में दो भागों में टूट गया। कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आपने उसका जल अपघटन कराया और वो दो नहीं बल्कि कितने भागों में टूटा, तीन। कोई ऐसा भी मिल सकता है जो चार भागों में टूट जाए, कोई ऐसा भी मिल सकता है पांच भागों में टूट जाए। इस प्रकार से कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी हो सकता है जो कितने भागों में टूट जाए, दस भागों में, इस प्रकार से मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार से जितने भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे जो दो से लेकर दस भागों तक में टूट सकते होंगे, आप इन सभी कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में रखोगे। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल जरूरी हैं,
जरूरी क्या है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जरूरी है, इसको आपको तैयार रखना है। फिर मैं ये भी बता दूंगा कि तैयारी आपको किस प्रकार से कर दी इनको, फॉर्मूले क्या हम इतने रट के रखें कि फॉर्मूले को बनाने का कोई तरीका भी अपने पास। तो इसके एग्जाम्पल पर चलेंगे, तो एग्जाम्पल पर सबसे पहले चलेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक मेरे पास फॉर्मूला है C12H22O11, ऐसा फॉर्मूला आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको अब ये कह दे कि ये फॉर्मूला नहीं याद है। अगर इंटरमीडिएट क्लास पे अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, अब तो भैया डूब मरने वाली बात है कि इस फॉर्मूले को भी कह रहे हैं ये फॉर्मूला तो जीवन में पहली बार आया है अभी अपनी नज़र में। हमने इसका क्या करवाया, जल अपघटन, और जल अपघटन जानते हो कैसे माध्यम में कराया, अम्ली। इस H प्लस आयन के लिखते ही बच्चों को पता हो जाता है कि माध्यम अम्ली है। आपने सुक्रोज का जल अपघटन कराया, और जल अपघटन कराने से दो पदार्थों में ये टूटा, C6H12O6। इनमें से पहला पदार्थ था ग्लूकोज, और एक और जो पदार्थ लिखा है उसका नाम है फ्रक्टोज। अच्छा, अभी आप ये ध्यान से देखो, ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को सूत्र को देखोगे ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज को देखोगे मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। अब आप इधर चले आओ, इस फॉर्मूले को कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन कराने पर कितने मोनोसैकेराइड मिलते हैं, दो। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा हो जिसका जल अपघटन कराने से दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं डाइसैकेराइड। पहले तो इस बात को कंफर्म कर लेना कि इसका नाम डाइसैकेराइड क्यों है। डाई का मतलब दो, सैकेराइड का मतलब जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे हमको दो प्रकार के मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, आपके सामने प्राप्त हैं दो प्रकार के मोनोसैकेराइड। तो क्या डाइसैकेराइड का अर्थ समझ पाए, डाई का मतलब दो प्रकार के मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। अभी और आगे चलते, कहता है क्या सर यही एग्जाम्पल केवल है, भैया एक एग्जाम्पल और है आपके पास, यहां लिखेंगे। हाँ, इसका नाम लिखना चाहोगे क्या, इसका नाम वैसे तो डाइसैकेराइड ठीक है, अगर इसका वैसे भी नाम लिखना चाहे ना, वैसे का मतलब रासायनिक नाम, डाइसैकेराइड तो इसलिए दिया गया क्योंकि दो भागों में टूटा। अगर आपको लगे कि सर जी इसका नाम हम लिखना चाहते हैं सुक्रोज, क्या नाम लिखोगे इसका, सुक्रोज। एक और मेरे पास है एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर इसको एग्जाम्पल देते हैं नाम, कार्बन बेटा 18 रखने हैं, अगर इसके बाद आप बात करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान करनी कैसे है? देखो एक बिल्कुल सरल सा मैं तरीका बताऊंगा, आपके दिमाग में मेरे ख्याल से छप जाना चाहिए पहली बार में। बेटा कार्बन 18 इसलिए रखे, देखो जरा जब ये मोनोसैकेराइड में टूटता है तो कार्बन कितने लेकर टूटता है, 6। दो बार टूटा था, दो भागों में टूटा था, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल तो 6 × 12। अब मैं ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल लिखूंगा, अर्थात कितने भागों में टूटना चाहिए, 3 भागों में, तो 6 + 6 + 6, कार्बन टोटल कितने होने चाहिए, 18। पिछली बार में जल का एक अणु था और इस बार में बेटा जल का अणु कितना रहेगा, 2। अगली बार में जल का अणु कितना रहेगा, 3। उससे भी अगली बार में जल का अणु रहेगा 4। फिर उससे अगली बार में रहेगा जल का अणु 5। लेकिन इतने एग्जाम्पल मैं बताऊंगा भी नहीं, अरे 2-3 एग्जाम्पल लिख के दिखा दोगे, पूरी दुनिया के एग्जाम्पल लिखने का ठेका हम ही लोगों ने थोड़ी ले रखा है। अब देखो ऑक्सीजन को कैसे कंसीडर करोगे, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन को कंसीडर कैसे करेंगे, दो जब भागों में टूटता था ऑक्सीजन 12 होते थे, 3 भागों में टूटेगा ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 18। 18 में से तो 2 आपने यहां लिख रखे हैं, तो यहां कितने होना चाहिए, 16। और बस भैया आखिरी चीज है, यहां जितना होना चाहिए इसका जस्ट इनके पास डबल होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहेगा सर जी डबल क्यों होना चाहिए, जरा ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट का जब सूत्र लिखा था आपने लिखा था CX H2O Y, ऑक्सीजन अगर एक था तो आपने हाइड्रोजन कितना लिखा था, 2, जस्ट डबल लिखा था।
भैया सूत्र बनाने का ये तरीका है। हाँ रट सकते हो, रट के लिख लो, मैं रटने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, इसलिए मैंने बताया तरीका, समझ गए। अच्छा इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेफिनोश। जानते हो मैंने जब इसका जल अपघटन कराया तो मुझे ये जल अपघटन करने पर मुझे तीन भागों में दिखाई दिया, और तीन बार बन के तैयार हुआ C6H12O6। अब आप चाहो तो तीन बार C6H12O6 तीन बार लिख दो, और या मैं तो कहता हूं तीन का यहां पर क्या करा लेते हैं गुणा, तीन बार अलग अलग लिखने से आप फ्री हो जाओगे। अच्छा क्योंकि ये तीन मोनोकार्बोहाइड्रेटों में टूटा है या मोनोसैकेराइड्स में टूटा है, पूछेगा ये किसका एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। मैं कहूंगा एक काम कर लो, क्योंकि तीन भागों में टूटा है इसका नाम आप लिख दीजिए ट्राइसैकेराइड। क्या इस बच्चे किसी बच्चे को भी इस बात से प्रॉब्लम है कि ट्राइसैकेराइड इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये जल द्वारा अपघटित होकर तीन मोनोसैकेराइड बनाते हैं। आप तीन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, या आप तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, तो ये आपकी मर्जी रहेगी। मैं तो कहता हूं तीन को अलग अलग लिखने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक साथ लिख लो काम खत्म। एक एग्जाम्पल और यहां पर तैयार रखेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहां कर लिया जाए, आप लोग कॉपी पर नीचे ही लिख लोगे, हम बेटा इधर लिखेंगे। जानते इधर क्यों लिखा जा रहा है भैया? क्या अभी एक प्रकार का और पॉलीसैकेराइड बचेगा, वो उतनी निचले वाले जगह पर आ जाएगा, और क्या होगा कि यहां इधर काम हम चला लेंगे इधर से। तो इस बार अगले नंबर पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल पर थर्ड नंबर। एक फॉर्मूला है, अब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पहचानेगा कोई बच्चा तो देखो कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ लास्ट वाला जो फॉर्मूला अब जो लिखना चाहिए, ये तीन मोनोसैकेराइड लिख रहा था दे रहा था, वो कितना देना चाहिए? चार। अब चार मोनोसैकेराइड का मतलब 4C6H12। बेटा कहोगे बिल्कुल सही जा रहा, जल अपघटन कराना है, कार्बोहाइड्रेट पहचानना है, इसमें जल के एक मोल द्वारा अपघटन हुआ, जल के दो मोल द्वारा अपघटन हुआ, जल के तीन मोल द्वारा अपघटन हुआ। अच्छा बेटा चार कार्बन चार बार ये दिया है, 4×6=24 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन होंगे कितने 6×6=24, 24 में से कितने हटा लेने हैं 3, तो 21, और अगर ये 21 तो हाइड्रोजन 42। कोई पूछेगा नाम इसका क्या है? इसका नाम है स्टैचियोस, क्योंकि स्टैचियोस का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर चार कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त होते हैं, हमने इसका नाम लिखा है टेट्रासैकेराइड। अच्छा एक और चीज कर सकते थे आप, अच्छा ये बताओ यार ये चार मोनोसैकेराइड देने वाला कार्बोहाइड्रेट है, अगर पांच वाला कहा जाए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पांच वाले का कर लेना, पांच का यहां लिख लेना, आगे फॉर्मूला कर लेना, जल के अणु तीन थे तो आप चार कर लेना। फॉर्मूला बनाने की बात रही तो भैया थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। लास्ट नंबर पे चलते कहता है दो प्रकार के आपने सैकेराइड्स बता दिए, तीसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको भी पढ़ते हैं सी नंबर पर। यहां जानते हो उनका नाम क्या है? पॉली सैके राइड। अब पॉलीसैकेराइड उसका नाम क्यों पड़ गया इस पर भी बात करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर, पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कई मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त, हजारों की संख्या में भी प्राप्त हो सकते हैं,
ना जाने कितने सौ की संख्या में प्राप्त हो सकते हैं, कुल मिला के 10 से ज्यादा प्राप्त होने वाले हैं। कई मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। और बेटा एग्जाम्पल लिखना चाहोगे ना, बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा स्टार्च का, C6H10O5N। ये बेटा क्योंकि एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब बहुत सारे अणुओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। अब हम कैसे जाने कि बहुत सारे अणुओं के मिलने से निर्माण होता है, इसलिए यहां N लिख दिया गया। दो लिखा होता दो अणुओं के मिलने से निर्माण होता, तीन लिखा होता तीन अणुओं के मिलने से निर्माण होता, चार लिखा होता चार अणुओं के। और जब यही संख्या बहुत ज्यादा निकल जाती है तो आप उसको N लिख देते हो। और हमने इसका जल अपघटन कराया, तो एक बात तो पहले से स्पष्ट है, अगर अणुओं की संख्या बहुत सारी है तो फिर जल के भी अणुओं की संख्या बहुत सारी ही लेनी पड़ेगी आपको, तो ये रिएक्शन हो पाएगी। तो मैंने N मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले रखा है और अम्लीय माध्यम कहेगा तो अम्लीय माध्यम जल अपघटन होगा। बेटा जोड़ लो, दोनों में N तो कॉमन है। मैं गणित की लैंग्वेज पर अगर रसायन विज्ञान को पढ़ाना स्टार्ट करूं तो N दोनों में कॉमन है। कार्बन गिनेंगे आप, कार्बन 6 आपको टोटल में से दिख रहा होगा तो C6। हाइड्रोजन टोटल की बात करें तो बेटा 10 ये है, 10 N यहां है, 2 N यहां है, 12 N हुए, उसमें से तो N कॉमन कर रखे हो, तो हाइड्रोजन कितना बचेगा 12। ऑक्सीजन 5 N और 1 N यहां, 6 N है, आपने N कॉमन कर रखा है तो ऑक्सीजन 6 बचेगा, अर्थात आपको N अणु प्राप्त हुए, बहुत सारे अणु प्राप्त हुए। किसके? ग्लूकोज के। और क्योंकि ग्लूकोज के बहुत सारे अणु प्राप्त हुए इसलिए हमने इसका नाम रखा पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन, जब इनके नाम आएंगे स्टार्च के, सेलुलोस के, ग्लाइकोजन के, तो ये सारे के सारे नाम पॉलीसेकेराइड में सम्मिलित किए जाएंगे। पूछेगा सर ये सूत्र क्या लिखेंगे, लिखा है ये सूत्र लिखाओगे आप, इस पे लिख भी सकते हो, ये स्टार्च का है सूत्र, सेलुलोस का फॉर्मूला है, तो अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो, यही सूत्र है स्टार्च का और यही सूत्र है सेलुलोस का। अच्छा क्या बेटा, अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये चार अणु दे रहा था टेट्रासेकेराइड का था, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आपके पास ऐसा हो जो पांच अणु मोनोसेकेराइड देने लगे, जानते उसका नाम क्या है? पेंटासेकेराइड। 6 अणु देने लगे हेक्सासेकेराइड। तो इस हिसाब से नाम को आप आगे बढ़ा लोगे, लेकिन जो मेरा मानना है आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है मोनोसेकेराइडों के निर्माण के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों के वर्गीकरण के लिए, ये इंफॉर्मेशन सफिशियंट है आपको अपने एग्जाम में लिखने के लिए। जबरदस्ती बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास से ही बना के लिख करके ना हो कि टाइम भी बर्बाद कर लें एग्जाम्पल के केवल चक्कर में, तो आप इनको नोट करोगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपको कभी कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए, आप पहचानोगे कैसे कि ये जो आपको केमिकल दिया गया है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको नोट करते हैं जल्दी से भैया। फिर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। अगर आपको कोई भी पदार्थ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए भैया ये पदार्थ पता करो कि क्या कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आप उस पदार्थ का परीक्षण कैसे करोगे? देखो इस बात का, देखो क्या है कि बहुत सारी चीजों में आलू वगैरह पे सबके कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तकरीबन जितनी भी फसल है एक भी फसल ऐसी नहीं होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब मैं एक दो का नाम गिनाऊं तो फिर बेकार है उस जगह पे। कोई भी ऐसा फल नहीं है जिस पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कुल मिला के मानव शरीर के लिए भगवान है कौन? कार्बोहाइड्रेट। भैया ये नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट का भी भगवान है कार्बन, वो नहीं होगा तो भैया कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो घेर के पूरी बात क्या आती है, भैया कार्बन जो है वो देवता है भैया। लेकिन उसके पहले हम इस बात को जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को परीक्षण कैसे करें।
सुनना है, ध्यान देना है। कैसे परीक्षण करोगे? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में प्रैक्टिकल के समय वाइवा देते हुए भी ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आप कैसे करेंगे, सुनना है। कहता है कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण करने की विधि को आप मोलिस परीक्षण बोलते हो, या तो मोलिस परीक्षण या उसी शब्द को ऐसे भी लिख सकता है मोलिस परीक्षण। ये उस परीक्षण का नाम है जिससे आप कार्बोहाइड्रेट की पहचान करते हो। करना क्या है आपको? कहता है पदार्थ का जलीय विलयन लेना है। जो भी व्यक्ति कहे कि ये लीजिए पदार्थ, इसको पता करो ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उसको सबसे पहले काहे में घोलिए, जल में। जल में घोलने पर बनेगा उस पदार्थ का जलीय विलयन जिसको आप कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हैं। फिर जलीय विलयन बनाने के बाद उसमें आपको मोलिस अभिकर्मक डालना है। आपको कह सकते मोलिस अभिकर्मक होता क्या? वैसे तो आपको मोलिस रिएजेंट मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी तुमको पता करना है कि मोलिस रिएजेंट होता क्या है, कैसे बनता है, तो उसके लिए लिखा है अल्फा नेफ्थॉल लाना है। एथिल एल्कोहल के साथ आपको 10% का विलयन बना लेना है। 10% का विलयन का मतलब समझ पा रहे हो? 90 ml आपको रखना है एथिल एल्कोहल और 10 ml रखना है आपको अल्फा नेफ्थॉल। बन गया 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इन एथाइल एल्कोहल। तो 10 ml अल्फा नेफ्थॉल, 90 ml के आसपास आपको इथेनॉल को रखना है। मिलाओगे, बन गया जो भी अभिकर्मक, उसका नाम है मोलिस अभिकर्मक। और मोलिस अभिकर्मक डालने के बाद कार्बोहाइड्रेट में फिर आपको परख नली की दीवार के सहारे H2SO4 धीरे धीरे आपको कुछ ड्रॉपलेट फॉर्म में बूंदों के रूप में परख नली की दीवार के सहारे धीरे धीरे H2SO4 को डालना है। जैसे H2SO4 डालोगे आप देखोगे क्या कि आपको दो लिक्विड दिख रहे हैं परख नली, जैसे मेरे पास ये है, कुछ लिक्विड परख नली के ऊपर की ओर भरा है, कुछ लिक्विड परख नली के नीचे की ओर भरा है, उसके बीच में एक छल्ला जैसा बन रहा है। लिखा हुआ है, कहता है ये जो छल्ला है बीच में लाल या ब्राउन रंग का, भूरे रंग का छल्ला बनता है बेटा, क्योंकि दो द्रवों के बीच में ब्राउन रंग की लेयर बनती है, छल्ला बनता है, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं, भूरी वलय परीक्षण। अगर कभी कभी आपसे मोलिस परीक्षण नहीं कहेगा तो ब्राउन रिंग टेस्ट पूछ लेगा। भूरी वलय परीक्षण किसको कहते हैं? सेम चीज को बता करके आना है, इसी परीक्षण को कहते हैं। तो दो लिक्विड, उनके बीच एक ब्राउन कलर की लेयर तैरती हुई रखी गई। हाँ, अगर आप उस लेयर को कुछ देर तक रखा रहने दोगे, को सोचोगे इसको ऐसे ही रखेंगे थोड़ी देर, तो थोड़ी देर रखा रहने के बाद आपके लिखा है कुछ समय पश्चात यह जो भूरे रंग की परत या रेड कलर की लेयर थी, ये कैसी कलर की लेयर में चेंज होती थी? बैंगनी रंग की में चेंज हो जाएगी। कंफर्म हो जाएगा कि जो पदार्थ हमको शुरुआत में दिया था वो पदार्थ क्या था? कार्बोहाइड्रेट। निश्चित रूप से वो पदार्थ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था। तो इसके दो नाम, एक तो मोलिस अभिकर्मक, दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं, तीसरा ऐसा पूछ सकता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, और हिंदी में उसी चीज को पूछेगा तो भूरी वलय परीक्षण किसको कहते हैं और इससे क्या किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे। लिखा है कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ऐसा भी पूछ लेता है कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व क्या है। आप बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट आपने अपने जीवन में कहां कहां यूज होते हुए देखा है। देखो पहला, कहता है ग्लाइकोजन ऊर्जा को यकृत में संचित रहता है। शायद आपको याद हो अभी पिछली क्लास पे, सैटरडे वाली क्लास पे मेरे ख्याल से हमने कहा था, जब मनुष्य के शरीर में भोजन करता है और भोजन करने से जो उसके शरीर में रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर पर जाके संरक्षित हो जाता है, छिप जाता है, और जैसे जैसे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, ये उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के हमारे रक्त में क्या करता रहता है? भेजता रहता है। अर्थात यकृत ग्लूकोज को संचित रखता है, अपने पास रखता है, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एक तो ये बात है, ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित रखता है। ऊर्जा को संचित, जब आपने भोजन नहीं किया तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज बना के आपके रक्त में भेज देगा, आपके शरीर को ऊर्जा देगा। इन्वर्टर समझो इसको, इन्वर्टर ये तो करता है, जितनी देर बिजली मिल रही लेता रहता है उसको एनर्जी को, जैसे लाइट गई अब वो एनर्जी की सप्लाई धीरे धीरे देता रहता है आपको जितनी जरूरत है। नेक्स्ट नंबर लिखता है पादपों की कोशिका भित्ति। बायो वाले बच्चे बिल्कुल खुश हैं,
जिन लोगों ने मैथ ले रखा है, हल पादपों का मतलब जानते हो, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होते हैं, पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं बनी होती हैं सेलुलोस की। याद आया होगा तो मैंने पढ़ाया था सेलुलोस और सेलुलेश वाली बात, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोस की बनी होती है, अर्थात ये भी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है क्योंकि सेलुलोस भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कहता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे आप पेंटोस शर्करा बना सकते हो, जिससे आप न्यूक्लियोटाइड बना सकते हो। यह शब्द नए टाइप का है लेकिन पढ़ने को मिलेगा, अभी तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हैं, आगे की चीजों को पढ़ेंगे। कहेगा डीएनए इसी से बनता है, इसी से आरएनए भी बनता है। हाँ, डीएनए और आरएनए के नाम कभी ना कभी सुने होंगे आपने, इनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर मैं क्या सोचता हूं ज्यादा ही इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसको ढंग से पढ़ेंगे। लिखता है इसके दहन से, इसके का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के दहन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है तो अब कहता है शरीर कार्बोहाइड्रेट के दहन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या शरीर कार्बोहाइड्रेट में आग लगा देता है, जला देता है? तो इसका मतलब वो आग लगाने वाला नहीं, रिएक्शन तकरीबन वैसी होगी। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर जलाया जाता है आग से नहीं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स और डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से। कहता है कौन से प्रोसेस से जलाया जाता है, दो प्रोसेस याद रखना, पहला प्रोसेस पाचन और दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। कार्बोहाइड्रेट इन्हीं दोनों प्रोसेस के थ्रू जलाया जाता है। और आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखे हैं कि जब भी कभी किसी पदार्थ को जलाया गया है उसने एनर्जी प्रोवाइड किया है, जब चाहे जब, ये तो फिजिक्स में भी पढ़े हैं, इसके पहले भी पढ़े हैं कि पदार्थ को जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भैया अगर रेस्पिरेशन और डाइजेशन, पाचन और श्वसन क्रिया के दौरान हम ग्लूकोज को दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो फिर अपने शरीर को, बॉडी को एनर्जी मिलने वाला है, इसलिए ये एक प्रकार का जैविक ईंधन है। तो आप नंबर को इसको लिख कर आना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, मैं अपने इंफॉर्मेशन को निकाल के आपके सामने और भी रखूं तो हाँ थोड़ा सा रख सकते हैं। देखो मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन करने के दौरान वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करता है। कहता सर जटिल कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या है, जैसे स्टार्च था और कठिन कठिन सुक्रोज होते हैं, माल्टोस होते हैं, स्टैचियोस होते हैं, रेफिनोस होते हैं, इस प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करता है और उनको पचाकर तोड़ता है। कहता है पचाकर तोड़ता है और तोड़कर लास्ट में जब भोजन पच जाता है तो लास्ट में जो पदार्थ हमें मिलता है वो पदार्थ होता है ग्लूकोज। मनुष्य ने भोजन के दौरान बहुत सारे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाए होंगे लेकिन इन सबको पचाकर जब भोजन ने प्राप्त किया पदार्थ तो वो लास्ट में, एट लास्ट जो भोजन के पाचन के पश्चात प्राप्त हुआ पदार्थ उसका नाम था ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को मानव शरीर ने एकत्रित किया अपनी छोटी आंत में। अब छोटी आंत में हुआ क्या, जैसे ही पचकर ये ग्लूकोज छोटी आंत में पहुंचा, मानव शरीर का रक्त उस छोटी आंत के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और रक्त इस ग्लूकोज को अपने अंदर घोल कर ले आता है। कहोगे कहां लाता है, कोशिकाओं पर। नाम सुना है, नहीं सुना, कोशिका सुना है, फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करूंगा, इससे आपका भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। कह दोगे कि नहीं बताना तो भी नहीं बताएंगे, लेकिन अगर सुनना है तो थोड़ा इस बात को ध्यान देते हैं। मानव शरीर भोजन करता है, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को गेन करता है और उन कार्बोहाइड्रेट्स को या भोजन को पचाते 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 और एक बार और पचाते पचाते लास्ट में वो काहे में चेंज करता है, ग्लूकोज में। ये कहां इकट्ठा किया जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही पहुंचता है इसको रक्त चारों ओर से अपनी ओर क्या कर लेता है, घेर लेता है। इस ग्लूकोज को रक्त में घोलता है, वो जो रक्त इकट्ठा हुआ है छोटी आंत के चारों ओर वो रक्त इस ग्लूकोज को अपने अंदर घोल लेगा। और रक्त में अगर ये ग्लूकोज घुल गया है तो इस ग्लूकोज को कहां पहुंचाएगा, कोशिका में। ये इधर से कोशिका में पहुंचा दिया इसने, कहां से, छोटी आंत से कोशिका में। दूसरी ओर मनुष्य श्वसन क्रिया भी तो कर रहा है और श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस को ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को।
आपने श्वसन क्रिया किया, ये गैस सबसे पहले आपके फेफड़ों पर पहुंची, फेफड़ों पर भी एक पदार्थ है आपके रक्त में जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपने सुना भी होगा, रिपोर्ट वगैरह देखते हो हीमोग्लोबिन का नाम आता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी रक्त में ही होता है, अर्थात वो भी रक्त का अभिन्न अंग है, अर्थात एक प्रकार का देखा जाए वो भी रक्त है। वो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक मोटा सा अंदाजा अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपनी सतह पर क्या कर लिया, चिपका लिया और बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो रक्त ने इसको भी चिपकाया ना, ये भी पहुंचाया जाएगा कहां, कोशिका पर। ये आंत से छोटी आंत से निकलकर कोशिका पर आया रक्त के द्वारा, ये फेफड़ों से रक्त के द्वारा कोशिका पर आया। अब कोशिका पर एक अभिन्न अंग होता है, कोशिका का एक विशेष भाग होता है, एक प्रकार का देखा जाए मेन पार्ट होता है जिसको कहते हैं माइटोकांड्रिया, अगर आपने ऐसा सुना होगा। तो ये माइटोकांड्रिया क्या करता है, ये अब कहता है कि भैया अब हम अभिक्रिया करवाएंगे और अभिक्रिया करवा के देखेंगे क्या होगा। कोशिका का एक अगर देखा जाए अभिन्न अंग है, कोशिकांग जिसको कह सकते हो, कोशिका का अंग कोशिकांग जिसका नाम है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया भैया एक काम करता है, इनकी रिएक्शन करवाता है। कैसे करवाता है उस बात पर चर्चा करते हैं। भैया सबसे पहले तैयार होगा CO2 6 मोल, इसके बाद तैयार करेगा हाइड्रोजन जल से ऑक्सीजन से विक्रिया करके 6H2O, और साथ में बनाएगा बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। हाँ, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, यार ऑक्सीजन चेक कर लो बाकी सारा कुछ बैलेंस होगा। ऑक्सीजन 6 है उधर, ऑक्सीजन 6 और 6 12 है, नहीं 18 है उधर, तो 6 से गुणा कर लो। इस प्रकार से वो एनर्जी को स्टोर करता है, जाकर के कहता है एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, आपने एक नाम सुना होगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में वो एनर्जी को कोशिका के पास, जो एक उसका अभिन्न अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां एनर्जी को स्टोर करता है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, पाचन प्लस श्वसन। ये रिएक्शन कहां से, ये पदार्थ कहां से प्राप्त हुआ, पाचन से। ये प्रक्रम कहां से प्राप्त हुआ, भैया थोड़ा सा अगर श्वसन गलत लिखा हो तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करेंगे, गलत लिखा है ना, बहुत सही है, इस गलत सेंटेंस को सुधारिए। एक काम करते, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं फिर, नहीं